हाय फ्रेंड्स, मैं पिंकी दरेड़े का स्वागत करती हूँ मेरा एक नया वीडियो पे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे मटन करी। मटन करी में जो जो चाहिए यहाँ पे मम्मी जी ने रेडी करके रख दिए हैं। एक्चुअली आज का रेसिपी मेरे सासू माँ ने शेयर कर रहे हैं। सासू माँ बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मम्मी जी ने यहाँ पे लिए हैं जालुक जीरा अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे बना रहे हैं। पहले वो कुकर गरम कर लिए थे, उसके बाद तेल दिए थे, उसमें दालचीनी, इलायची, एक लौंग, तेज़पत्ता दिए हैं, आप दे देंगे इसी तरह। उसके बाद प्याज देंगे, लो फ्लेम में आग रखेंगे। प्याज को फ्राई होने के बाद, 2 मिनट फ्राई होने के बाद टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक दिए हैं मम्मी। इस तरीके से आप बनाइए, कैसा लगा कमेंट में बताएंगे तो मेरा मम्मी जी को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आलू देंगे। आलू फ्राई होने के बाद थोड़ा टाइम लो फ्लेम में रख के आप फ्राई करते रहिएगा। उसके बाद हम मटन देंगे और मैं भी खाया हूँ, बहुत टेस्टी होता है। मम्मी जी हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं, आप कमेंट में बताइए कैसा लगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। फ्राई होने के बाद आप हल्दी पाउडर देंगे, उसके बाद फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद टेस्ट के अनुसार नमक देंगे। उसके बाद जो पेस्ट बना के रखे थे जालू जीरा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें देके मिक्स करेंगे। जितना आप मिक्स करेंगे मतलब फ्राई करते रहेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। मम्मी जी हमेशा बताते हैं कि जितना कोई भी नॉनवेज हो या वेज का चीज़ें जितना फ्राई करोगे उतना ही टेस्ट होता है। उसके बाद आप मिर्ची पाउडर लेंगे, उसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। कभी कभी मम्मी जी का और रेसिपी में शेयर करूंगी, कैसा लगा बताइएगा। उसके बाद कच्चा मिर्ची दिए हैं मम्मी ने, इसी तरह पापा को बहुत पसंद है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आए। उसके बाद फ्राई करते रहेगा, देखिए फ्राई हो गया है। अभी मम्मी पानी देंगे। आपको जितना पानी चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा जूसीला टाइप से रहेगा इसीलिए मम्मी कम पानी दिए हैं, पापा को उस तरीके से पसंद है। इसके बाद हमारा रेडी हो गया, अभी हम सीटी दे देंगे। 2 सीटी के बाद तैयार हो गया मटन करी। मम्मी बनाया हुआ मटन करी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा और आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।